नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल टेक्निकल फंडा में। और जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि व्हाट्सएप ने नया फीचर लॉन्च कर दिया है, जिसके चलते आप किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने भेजे हुए मैसेज को सिंपली डिलीट कर सकते हैं, सिंपली डिलीट के आइकन पर, और यहाँ से डिलीट फॉर मी या डिलीट फॉर एवरीवन हम कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 7 मिनट तक के मैसेज को हम डिलीट कर सकते हैं, यानी कि हमें 7 मिनट के अंदर अंदर अपने मैसेज को डिलीट करना होगा। पर इसके कुछ डिफेक्ट भी हमें पता चलते हैं, जैसे कि हमने अगर हमारे पास कोई मैसेज आया और हमने अभी तक उसे नहीं पढ़ा और उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया, तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वो मैसेज क्या था। तो इसी का सलूशन मैं आज लेकर आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम कोई मैसेज भेजते हैं, जैसे मैंने भेजा हेलो, यहाँ से चला गया उधर, मेरे दूसरे उस पर रिसीव भी हो गया, पर अभी किसी वजह से मैंने ये मैसेज नहीं देखा और उसके बाद उसने डिलीट कर दिया, तो मुझे ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये मैसेज क्या था, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। देखिए आप देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख कर भेज सकता हूँ, कोई गाली दे देता है या फिर कुछ भी, अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ भी लिख देता है और बाद में फिर डिलीट कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि उसने मैसेज किया क्या है। हम पूछते हैं वो नहीं बताता। तो इसका सलूशन मैं आज लेकर आया हूँ। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। सिंपली प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री। नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको शुरुआत में मिल जाएगा। ये आइकन है उसका, 2.1 MB का ऐप है, ज़्यादा बड़ी कुछ खास है वो नहीं है इसमें। इसे इंस्टॉल कर लीजिए, एक्सेप्ट, और ये डाउनलोड हो चुका है। देखिए डाउनलोड होने के बाद इसमें ओपन कीजिए और कुछ सेटिंग्स है उसे अलाउ करना होगा। जैसे आपको देख सकते हैं शुरुआत में एक्सेसिबिलिटी सर्विस डिसेबल्ड, नोटिफिकेशन एक्सेस डिसेबल्ड, इसे आप इनेबल कर दीजिए। ढूंढिए डी सही कहाँ गया, नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस पर क्लिक कीजिए, अलाउ, ओके, बैक, ये इनेबल आ चुका है। अब सेकंड वाले को भी नोटिफिकेशन एक्सेस में इनेबल कर दीजिए। ये है आपका नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ओके, अलाउ, बस। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली हटा देना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैसेज भेजा कुछ भी, हेलो भाई क्या कहाँ है, चलो ये तो फिर भी मैं बहुत ही जेंटल मैसेज भेज रहा हूँ, पर अगर बाई चांस कोई गाली वाला भेज देता है या कुछ भी कर देता है या फिर कुछ भी ऐसा भेज देता है कि आपको उससे ठेस पहुँचे और उसे आप डिलीट कर देता है, और हम फिर देखते हैं यहाँ पर कि मैसेज डिलीटेड का ऑप्शन आया। मैं पूछता हूँ कि भाई क्या था इसमें, भाई मैसेज क्यों डिलीट किया, ठीक है। वो कह देता है कि भाई कुछ नहीं ये था या कुछ भी कह देता है, वो बहाना बना देता है और मुझे ये मैसेज नहीं पता लगता कि मैसेज था क्या। तो अब हमें क्या करना है, वहीं अपनी ऐप पर जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में सर्च कर लीजिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री, और आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप ये काउंट 8 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। ये जो मैसेज आए हैं ये रहे, और ये देखिए ये शुभांशु खटाना, ये रहा वो मैसेज, हेलो भाई कहाँ है तू, जो कि मैंने डिलीट कर दिया था, ये मैसेज यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में मैंने जो भी मैसेज चाहे डिलीट हुए हैं या कुछ भी, देखिए जो ये मैसेज डिलीटेड लिखा हुआ आया, देखिए दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, ये मेरे पास मैसेज आया था, पर जो असलियत में मैसेज भेजा था उसने ये था, हेलो भाई कहाँ है तू, उसके बाद में ये मैसेज डिलीट कर दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रिक, इससे आप पता लगा सकते हैं कि किसने आपके मोबाइल पर या आपके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर डिलीट किया है, तो आप उसे रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसकी भी कुछ लिमिट्स है, तो आप इसमें 100 SMS तक ही स्टोर कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा कि आप मोर देन 100 ना हो पाए, और उससे पहले आप देख लें मैसेज को, क्योंकि बाद में ये ऑटोमेटिकली पिछली हिस्ट्री को डिलीट करता रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इस ट्रिक का पता लग सके। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।